जय हिंद दोस्तों, टारगेट गवर्नमेंट जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मैथ्स, यानी जिन छात्रों का मैथ्स बहुत कमज़ोर है, जिन छात्रों का मैथ्स बहुत कमज़ोर है, हम एकदम इस वीडियो में, इस सीरीज़ में, हम इसमें एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि मैथ्स की होंगी। और उसमें हम जीरो से लेके एकदम जीरो टू हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है? एकदम जीरो से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक की हम पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है? जिन छात्रों को भी रेलवे रेलवे एसएससी, बैंक, सीआईएसएफ, ग्रुप डी, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स के लिए मैं इसमें मैथ की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? जिन बच्चों को भी लगता है कि मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और मैथ्स में छोटी छोटी जगह पे आप गलतियां कर देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपके लिए एकदम बेसिक जीरो लेवल से मैथ की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसके और भी पार्ट्स अभी आगे आएंगे। तो हम अपना वीडियो एकदम शुरू करते हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं इसमें आपको, ठीक है? गुणा, भाग, डिवीज़न, मल्टीप्लीकेशंस, जोड़ना घटाना कैसे है, सब चीज़ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बिल्कुल आपको मैथ्स कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? तो हम अपना आगे का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ दोस्तों मैं आपको, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो कि बेसिक मैथ ही है, ठीक है? मैथ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, और पहला फैक्ट जो है लिखा गया, किसी संख्या में शून्य यानी जीरो, फ्रेंड्स मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे आप कंफर्टेबल हो उसमें कर लीजिएगा, बट लिखा हुआ यहाँ पे आपको हिंदी में मिलेगा। आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और इस वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट करने की या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ फाइल डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम देखते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, किसी संख्या में शून्य यानी जीरो का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनखंड शून्य प्राप्त होता है। यानी ये जो बोल रहे हैं, ए हमारा मान लो एक है, कोई भी नंबर है, यानी एक से लेके वन से लेके 100 तक कोई भी नंबर, इनफाइनाइट तक ले लो कोई भी नंबर है, अगर ए में आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा जीरो ही मिलेगा। या फिर और जीरो में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर एकदम जीरो मिलेगा। तो देखा दोस्तों, हमने एकदम बेसिक से शुरू किया, समझ गए आप? जिसे हम नीचे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 5 × 0, क्या कि हमने 5 × 0 तो उसका आंसर हमें जीरो ही मिला। या फिर 0 × 5 करोगे तो उसका आंसर भी आपको जीरो मिलेगा। या 100 × 0 किया तो उसका आंसर भी क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। कोई भी नंबर ले लेंगे आप, दुनिया का कोई भी नंबर ले लेंगे, अगर उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा आंसर जीरो ही आएगा। या फिर जीरो में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपको हमेशा जीरो ही देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ देख लेते हैं हम, अगर बीच में भी कोई नंबर हुआ मल्टीप्लीकेशन में, अगर बीच में भी जीरो हुआ, बहुत सारे नंबर है जैसे 7 × 7 × 6 × 5 × 0 × 4, तो बीच में भी अगर जीरो आपको मिलता है तो उसका आंसर भी हमेशा जीरो ही होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अपना आगे देखते हैं, आगे जो आगे है हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें कहा गया है, शून्य यानी जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जीरो प्राप्त होता है। यानी ये बोल रहा है, जीरो को आप किसी भी नंबर से, ये हमारा क्या है, कोई भी नंबर है, जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से भाग दोगे तो आपको भागफल हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है? आइए हम नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है, 0/7, यानी जीरो को आप 7 से भाग कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या मिलेगा, आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। क्यों मिलेगा जीरो? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है
कि इसका हमें कोई मतलब ही नहीं पता है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या, कितने बार हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए। ठीक, तो हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं, तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, 0 को अगर किसी भी नंबर से भाग करते हो तो आपको हमेशा आंसर 0 ही मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल भी, 0 / 957, सॉरी 0 / 957, तो आपको क्या मिला आंसर में, 0 ही मिल रहा है। तो हम अपना थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं, आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम अपने थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये थर्ड पॉइंट, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। यानी ये क्या बोल रहा है, हमारा मान लो ए कोई भी नंबर है, ए को अगर आप 0 से भाग करते हो तो आपको क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। इसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं या फिर अनंत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने क्या कहा, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो आपको हमेशा इनफाइनाइट ही मिलेगा, यानी अनंत मिलेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल पे, 19 को आप 0 से भाग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। 28 को आप 0 से भाग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। 956 को आप 0 से भाग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। यानी कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो हमें आंसर दे, यानी एक ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते उस आंसर्स को। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी संख्या की घात यानी पावर। घात क्या होती है, पावर। किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात शून्य हो यानी 0 हो होने पर उसका मान क्या आता है, 1 आता है। ये बोल रहा है अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर क्या हो, 0 हो, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो फ्रेंड, अगर उसकी पावर 0 हो तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। जैसे कि 25 की पावर 0 है तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 25 की पावर 0 है तो आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 9 की पावर 0 है तो आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 638 की पावर 0 है तो आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है, किसी संख्या को स्वयं यानी सेल्फ, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी ये क्या बोल रहा है, अगर आप किसी भी संख्या को यानी 25 को 25 से ही भाग करेंगे तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया है और एकदम हाई लेवल तक हम जाएंगे, 0 to हाई लेवल तक हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है जहाँ तक उम्मीद होगी कि आपको ये सब अच्छे से आता होगा, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, सीख जाएंगे, कुछ नया ही सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे कोचिंगों में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं ये सीरीज अपने वीडियो इस चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। अगर आप 29 को भाग करते हो 29 से तो 1 ही प्राप्त होता है आपको। अगर आप 10 को भाग करते हो 10 से तो 1 प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई कुछ, यहाँ पे 1 आएगा इसका आंसर। 125 को आप 125 से भाग करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, अब अगर 0 को आप 0 से भाग करते हैं तो आपका ये आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी कोई ऐसी नंबर है ही नहीं जिसको हम 0 को 0 से भाग करने पे आंसर मिले। ठीक, तो इसका हमेशा आंसर याद रखिएगा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनको मैथ से बहुत डर लगता है उनको बता दीजिएगा कि हम अपने इस वीडियो इस चैनल पे एकदम 0 से मैथ शुरू कर रहे हैं और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
तो आगे देखते हैं, आगे जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, जोड़ और घटा। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या है हमारा अगला टॉपिक, जोड़ और घटा। जोड़ का सिंबल आप सभी जानते हैं, यानी प्लस का सिंबल होता है ये, और घटा का सिंबल क्या होता है, ये माइनस का सिंबल होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन और हिंदी में बोलते, सॉरी, घटा को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके भी कुछ रूल्स है, नियम्स है, वो भी हम एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है इसका जो कहता है धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव संख्या को सदैव आपस में जुड़ती हैं, यानी जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं, धनात्मक नंबर होते हैं, वो हमेशा जुड़ती हैं, प्लस होती है, और उनमें चिन्ह प्लस का लगता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। यानी ये क्या है, 21 + 5, यानी दोनों ये पॉजिटिव नंबर है, आगे कुछ नहीं लिखा होता है, तो उसका मतलब हम उसे पॉजिटिव ही नंबर समझेंगे। ठीक है, तो 21 को जब हम 5 में प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर 26 मिलेगा। और ये 26 भी क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जिस नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा होता है, उसके आगे क्या छुपा होता है, हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस छुपा हुआ होता है। हम इसको भी देखेंगे अभी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नोट, यही बात यहाँ मैंने लिखी है, नोट देख लीजिए आप ध्यान से एक बार। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वह धनात्मक माना जाता है। यानी क्या बोला मैंने, जैसा पहले बताया था, किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वहां पे हम क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, प्लस मानते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे कि वो हम लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 21 + 5 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, बराबर में 26 मिला। हम प्लस वाले नंबर्स के आगे ये पहले नंबर पे हम ये दिखाते नहीं, शो नहीं करते, हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे क्या है, प्लस है। जैसे 6 + 3 क्या मिलता है हमें, 9 मिलता है, और हम सिर्फ 9 ही लिखते हैं, प्लस दिखाते नहीं है। ठीक है, ये हमें पता होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, हम आगे बोल रहा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। यानी ये क्या बोल रहा है, अगर आप कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस वाले नंबर्स को और माइनस वाले नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा घटा होता है, माइनस होता है वहाँ पे। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे अभी। और साइन किसका लगेगा, जो नंबर दोनों में बड़ा होगा उसी का साइन हम लगाएंगे। चलो एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे 5 पॉजिटिव प्लस का नंबर है और 7 क्या है, माइनस का नंबर है। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी पॉजिटिव यानी धनात्मक नंबर ऋणात्मक नंबर सदैव आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। यानी आपने क्या किया, 7 में से 5 को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या मिला, 2 मिला। और माइनस साइन क्या लगाएंगे, हम हमेशा इन दोनों संख्या में जो बड़ी होंगी, यानी 5 और 7 में कौन बड़ा है दोस्तों, 7 बड़ा है, 7 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, तो आंसर में भी हम क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। आगे हम देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, प्लस का ये है 9, प्लस का 9 है और माइनस का 11 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी प्लस में से एक कोई प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, अगर आप उन दोनों को ऐड करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि आपने 9 - 11 है, तो आंसर क्या मिला, आपने 11 में से 9 को माइनस कर दिया, सॉरी 11 में से 9 को माइनस कर दिया, तो क्या मिला, 2 मिला। अब यहाँ पे देखो आप, इन दोनों में बड़ा कौन है, 11 बड़ा है, 11 के आगे कौन सा सिंबल आ रहा है, माइनस का सिंबल आ रहा है, तो आंसर में भी हम क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, क्या है हमारा अगला एग्जांपल, 17 में से आपने माइनस किया 9, 17 में से 9 माइनस किया, तो यहाँ देखिए ये प्लस का नंबर था और ये माइनस का नंबर है, 17 में से 9 किया तो हमारा आंसर क्या मिला, 8 मिला। और यहाँ पे साइन किसका लगा, प्लस का लगा, क्यों, 17
9 से बड़ा था, 17 के आगे कौन सा सिंबल था, प्लस का था, इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर प्लस का है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, -11 प्लस में 9 है, क्या है, -11 प्लस में 9 है, आंसर क्या मिला हमें, माइनस का 2 मिला। कैसे मिला ये, क्योंकि हमने क्या, हमें क्या पता है, जब भी प्लस और माइनस वाले दो नंबर आपस में ऐड होते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, 11 में से 9 को माइनस किया तो 2 मिला आंसर, क्या किया, 11 में से 9 को माइनस किया तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा है 11, 11 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो हमने आंसर में भी माइनस लगा दिया, इससे हमें मिल गया माइनस का 2, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो हम कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली वीडियो में हम आपको वो क्लियर करा देंगे डाउट, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है, यानी जो माइनस वाले नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं, यानी माइनस वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा। और साइन किसका लगता है आंसर में, माइनस का लगता है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, क्या है हमारा एग्जांपल, माइनस -2 एंड -5, सॉरी -5 एंड -2, मैंने क्या बोला था आपको, नेगेटिव वाले नंबर यानी ऋणात्मक वाले नंबर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। जैसे क्या था, -5 -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और साइन कौन सा लगेगा, आपको आंख बंद करके माइनस का ही साइन लगा देना है, ठीक है, जब भी दो नंबर माइनस के हो। तो आगे देखते हैं हमारा एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको, क्या है ये, -100 यानी 100 -10, क्या मिला हमें, माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, 100 में 10 को प्लस किया तो 110 मिला, ठीक, और हमने माइनस आंख बंद करके ऐड कर दिया। हम वही वाला एक रूल लगा सकते हैं फ्रेंड, जो ऊपर पढ़ा था हमने, जो संख्या इन दोनों में बड़ी होगी उसके आगे का निशान लगेगा, तो -100 और ये क्या है, -10, इन दोनों में कौन बड़ा है, 10 और 100 में, तो 100 बड़ा है, 100 के आगे कौन सा निशान है, तो माइनस का निशान है, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा, इसका सीधा सीधा यही लॉजिक होता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे गुणा यानी मल्टीप्लीकेशंस, ठीक है, गुणा का भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे है, अगर आप दोस्तों, अगर आप प्लस वाले नंबर को गुणा करते हैं प्लस वाले नंबर के साथ, तो सदैव आपको आंसर जो मिलेगा वो प्लस में ही मिलेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, 2 + क्या है, 2 × 3 किया, तो हमें आंसर क्या मिला, 6 मिला, 2 × 3 कितना होते हैं, 6 होता है, और आंसर में भी प्लस का ही 6 मिला है हमें, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसी के ऊपर, मैंने 5 × 2 किया तो क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा, प्लस का ही 10 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर 5 भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है, प्लस वाले को हमने प्लस वाले के साथ गुना किया तो क्या मिला हमें, प्लस का ही आंसर मिला, ठीक है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, अगर आप, ये बोल रहा है, अगर आप माइनस प्लस वाले नंबर को गुणा करते हैं माइनस वाले नंबर के साथ, तो आपको आंसर में हमेशा माइनस मिलेगा, माइनस वाली संख्या मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपने प्लस वाली नंबर 2 को गुना किया माइनस वाले नंबर 3 के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप 5 को गुना करते हैं माइनस 2 के साथ, तो आपको -10 मिलेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते थे हम, आगे बोल रहा है ये, अगर माइनस वाले नंबर्स को गुना करते हैं प्लस वाले नंबर के साथ, माइनस वाले नंबर को गुना करते हैं प्लस वाले नंबर के साथ, तो इसमें भी आपको आंसर में हमेशा माइनस मिलेगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम, जैसे माइनस का 3 था, इसको आपने गुना किया प्लस वाले 2 के साथ, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे जो है
माइनस वाले नंबर को गुणा करते हैं आप माइनस वाले नंबर के साथ, तो आंसर में क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए आंसर में क्या आता है? हमें प्लस आता है। इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपने गुना किया -2 × -2, यानी माइनस वाले नंबर को आपने गुना किया माइनस वाले के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा? सदैव आपको प्लस का मिलेगा, प्लस का 4। 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। चाहे इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी छोटी संख्या हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने 5 × 10 किया माइनस का 5 × -10, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 50 मिलेगा, वो भी प्लस का ही मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं हम नोट, कुछ याद रखने वाली बातें हैं। यदि माइनस का गुना सम बार आए, सम यानी सम क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या होती है? हमारी सम होती है। तो हमेशा क्या चिन्ह लगेगा? प्लस का लगेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? माइनस का गुना अगर सम बार आए, जैसे माइनस गुना माइनस का कोई नंबर है, -2 है, यहाँ पे गुना में -2 है, ये कितने बार? 2 बार है। 2 क्या होता है? हमारा सम होता है। तो आंसर में क्या मिलेगा? हमें प्लस मिलेगा। अगर 2 − 2 − 3 − -2 − -5, ये कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। 4 क्या हमारा सम होता है। 4 क्या होता है? सम होता है। तो हमने क्या बोला? इन सबको गुना करोगे तो आंसर किसका मिलेगा? आपको प्लस का ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से भी हम समझ लेंगे। इसमें नीचे देख लीजिए, ये कह रहा है यदि माइनस का गुना विषम बार आए तो क्या बोला यहाँ पे? यदि माइनस का गुना विषम बार आए तो वहाँ पे हमेशा किसका साइन लगता है? माइनस का लगता है। विषम संख्या क्या होती है? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारी क्या होती है? हमारी विषम संख्या होती है। यानी माइनस अगर इतनी बार आ रहा होगा, विषम संख्या बार आ रहा होगा, तो आंसर में भी हमेशा आपको माइनस मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × -3 × 4 × -2 × 3। यहाँ पे देखिए माइनस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 और ये 2। 2 क्या होता है हमारा? 2 एक सम संख्या होता है। सम संख्या होगा तो आंसर किसमें मिलेगा? हमें हमेशा प्लस में मिलेगा। जैसे 2 × 3 किया 6 मिला, 6 × 2 किया 12 मिला, 12 × 3 किया 36, 36 × 4 किया तो 144 मिल गया हमें। और ये क्या मिला? हमें प्लस का नंबर मिला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। आगे से बोल रहा है ये, अगर हमारा माइनस विषम बार हो, जैसे कि यहाँ देख लीजिए -3 × -2 × -4 × -5 × -1, यहाँ पे कितनी बार है? -1, 2, 3, 4, 5, कितनी बार है? 5। अब 5 क्या होता है हमारा? ऑड नंबर होता है। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, सॉरी, हाँ ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्या को। ठीक है, 5 क्या हमारा ऑड नंबर, तो हमेशा आंसर में क्या मिलेगा? आपको माइनस मिलेगा। तो इन सब की हमने मल्टीप्लाई की तो माइनस का 120 मिला आंसर, 120 मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम भाग, देख लेते हैं हम। अब क्या बोला? भाग, भाग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिविजन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट है हमारा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यदि अंश, क्या बोला गया है? यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। जैसे कोई नंबर है यहाँ पे ए और बी, ऊपर वाला क्या होता है हमारा? अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम एन आर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात है। क्या बोला इसने यहाँ पे? यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक माना जाता है। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? हमें आंसर में प्लस का आंसर मिलता है। यदि अंश और हर के मान असमान हो
तो हमें ऋणात्मक मिलेगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक नंबर हमारा क्या है, हमारा प्लस का 5 है और दूसरा नंबर क्या है हमारा प्लस का 10 है। दोनों क्या है अंश, और हर दोनों के सेम है, प्लस वाले हैं यानी सेम समान सेम चिन्ह वाले हैं, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 1/2 मिलेगा, जो कि प्लस का ही होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं कुछ इसके रूल्स, एग्जांपल्स, एग्जांपल भी लेके मैंने समझाया हुआ है यहाँ पे। जैसे प्लस का ऊपर नंबर होगा, नीचे भी प्लस का नंबर होगा, तो आंसर में क्या मिलेगा हमें हमेशा प्लस मिलेगा। और ऊपर प्लस हुआ अंश में और नीचे हर में क्या हुआ माइनस हुआ, तो सदैव आपको आंसर माइनस में मिलेगा। और अगर ऊपर माइनस हुआ नीचे भी माइनस हुआ, तो आंसर हमेशा आपको प्लस में मिलेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस साइन देखना होता है। ठीक है, अगर ऊपर माइनस हुआ नीचे प्लस हुआ, फिर भी आपका आंसर माइनस में रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 6/2, 6/2, 6 को जब भाग करोगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ये भी आपका प्लस का ही होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था। ऊपर वाला मैंने बोला था अगर प्लस का होगा, नीचे वाला माइनस का होगा, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा माइनस का मिलेगा। जैसे 3 एकम 3, 3 3 9, तो आंसर क्या मिला 3 मिला, लेकिन माइनस का आएगा ये भी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा -4/-4, क्या माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 गया एक बार में, तो आंसर क्या मिला 1 मिला, ये किसका मिला हमें प्लस का मिला 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अपना, क्या है -8/4, ऊपर वाला यानी प्लस का और नीचे वाला क्या है माइनस का है। प्लस माइनस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से भाग करोगे, तो आपको सदैव आंसर माइनस में मिलेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया -2 आंसर मिल गया आपको। वह हो समझ में आ गया होगा, यहाँ मैंने एक छोटा सा इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे a/b, a और b हमारा क्या है एनी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है ये। ठीक है, अगर ऊपर वाला माइनस का है नीचे वाला प्लस का है, या फिर ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, ये भी बराबर होगा, या फिर आप ऐसा भी आपको दिखा हुआ मिल सकता है लिखा हुआ बीच में एकदम माइनस हो और ऊपर और नीचे नंबर संख्याएं लिखी हो। ठीक है, ये भी क्या है बराबर होगा, अब माइनस ए अपॉन में बी ये भी बराबर होगा, और माइनस ए अपॉन में माइनस का बी ये भी बराबर होगा, ये तीनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है -6/2, यानी ऊपर वाला संख्या क्या है माइनस का है, नीचे वाला संख्या क्या है प्लस का है, ये बराबर होगा। ऊपर वाला संख्या चाहे प्लस का हो और नीचे वाला संख्या क्या हो माइनस का हो, ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया क्या, अब मैंने यहाँ माइनस बीचों बीच लगाया, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, बीचों बीच है, ये भी क्या होगा बराबर होगा। इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा दोस्तों, माइनस का 3 ही आएगा। हम देख लेते हैं कैसे कैसे ये पॉसिबल हो रहा है, जैसे 2 एकम 2, 2 3 6, तो इसका क्या मिला हमें आंसर, ऊपर वाला प्लस का माइनस का था सॉरी, और नीचे वाला प्लस का था, यानी जब हमने इसको किया तो माइनस का 3 ही मिला। अब इसको देख लेते हैं, ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर क्या मिला -3 ही मिला। ये वाला भी देख लेते हैं, माइनस बीचों बीच में, ठीक है, और ये ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, माइनस बीचों बीच है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर इसमें भी क्या मिला हमें माइनस का 3 ही मिला। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कोई भी सुझाव देना चाहते हो वीडियो के बारे में तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और उन सभी दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो कि मैथ में बहुत ही कमज़ोर छात्र हैं, उन सभी को ये बताइएगा कि हमारे इस टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे चैनल पे मैथ की वीडियो शुरू हुई है, जो बेसिक से एकदम कराया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्त इस रेड बटन को दबा के वाइट कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।